आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र और तंत्रोक्त टोने टोटकों से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमयी वीडियो आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, कई बार हम ऐसी कई तरह की बातें सुनते हैं जिन पर विश्वास करना आसान नहीं होता है, लेकिन यह सब कुछ बहुत ही रोमांचित कर देने वाली चीजें होती है। दुनिया भर के साहित्यों और दंतकथाओं में ऐसी तरह तरह की भूत प्रेत जिन्न परी पिशाच की कहानियां भरी पड़ी है, देवी देवताओं राक्षसों की कहानियां और साथ ही नाग नागिनों की विचित्र कहानियां भरी पड़ी है। नाग नागिनों को लेकर हमारे मन में ऐसे कई सवाल होते हैं जिनके बारे में कोई वाजिब जवाब नहीं मिल पाता है। अक्सर फिल्म और टीवी में हम इच्छाधारी नाग नागिनों की कहानियां देखते तो हैं, लेकिन इनके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है जिससे इनकी सत्यता की पुष्टि की जा सके। इच्छाधारी नाग नागिन क्या होते हैं? इंसान नाग नागिन कैसे बनते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं इच्छाधारी नाग नागिनों और नागलोक के गूढ़ रहस्य? अगर हाँ तो इच्छाधारी नागों और नागलोक के संबंध में विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमारी यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। तो पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं के मुताबिक इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें कहा जाता है जो कि इंसानी रूप में धरती पर विचरण करते हैं। हालांकि वह किसी भी वक्त सांप का रूप धारण सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच सामान्य इंसानों की तरह रह सकते हैं। प्राचीन समय में धरती पर कई देवताओं ने अवतार लिया था, जिसमें से कई ने नागों के रूप में भी जन्म लिया था। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इच्छाधारी नाग नागिन के कई सारी कहानियां मौजूद हैं। इसके अलावा फिल्मों और टीवी सीरियलों में भी नाग नागिन की कहानियां दिखाई जाती है। पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन होने की बात साबित होती है, हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। आज के आधुनिक समय में कोई भी इस तरह के अंधविश्वास को नहीं मानता है और इन्हें सिर्फ कहानियों में देखा जाता है। इसके अलावा विज्ञान और सर्प विशेषज्ञों का भी कहना है कि इच्छाधारी नाग नागिनों का चरित्र पूरी तरह से काल्पनिक है और इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दर्शकों, अब आधुनिक विज्ञान को भले ही यह सब अंधविश्वास लगे, लेकिन अध्यात्म और तंत्र साधना जगत में आज भी एक से बढ़कर एक ऐसी अलौकिक नाग साधनाएं हैं जिनको करने से बाद आपका नागों और नागलोक से संबंधित ऐसे नाना प्रकार के गुप्त रहस्यों से परिचय होता है जिनके बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती। आज हम आप सभी को हमारी इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी दुर्लभ गुरुमुख से प्राप्त इच्छाधारी नाग साधना दे रहे हैं, जिसको करने के बाद आपका सीधा संबंध नागलोक से बन जाता है। जो निडर साधक है केवल उन्हें ही यह साधना करनी चाहिए, क्योंकि इस साधना के अनुभव प्रत्यक्ष होते हैं और साधक बहुत बार नाग देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। जो लोग हमारे मार्गदर्शन में रहते हुए इस साधना को संपन्न करना चाहें, वो संस्थान से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। इस साधना को करने से पहले कुछ आवश्यक नियम है जो अपनाने चाहिए। जैसे कभी भी नाग न मारने का संकल्प ले कि आप कभी भी नागों को कष्ट नहीं देंगे। गणेश पूजा, गुरु पूजा, शिव पूजा इस साधना की अनिवार्य शर्त है। जहाँ तक हो सके सत्य बोले।
तो इस साधना की शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले कोई ऐसा स्थान देखें जहां इच्छाधारी का कोई मंदिर या अथवा बांबी हो। हर शहर में कहीं ना कहीं ऐसा स्थान अवश्य होता है, तो आप कोई ऐसी नाग की बांबी ढूंढे जहां पहले पूजा न हुई हो, या कोई पक्की बांबी मिल जाए तो अति उत्तम है। पक्की बांबी उसे कहते हैं जो बहुत पुरानी हो और लोग वहां दूध आदि डालते हों। अपने साथ जो सामग्री लेकर जानी है वो यह है कि एक लोटा दूध, फूल सफेद हो तो बेहतर है। फूल आप कली या चमेली के ले सकते हैं, या जो भी मिल जाए ले लें, और बताशे आपको जरूर लेकर जाने हैं अपने साथ। सफेद वस्त्र पहने, आसन कोई भी चलेगा, लेकिन काला नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बांबी के आसपास सफाई करें और आसन बिछाकर साधना का सारा सामान रख दें। गुरु पूजन और गणेश पूजन करें और शिव पूजन कर आज्ञा ले लें। फिर बांबी पर पूजा करें, नाग देवता को स्मरण कर फूल आदि चढ़ा दें और एक धूप की बत्ती लगा दें और बताशे आदि चढ़ा दें। फिर बैठकर मंत्र जाप करें, घी का दीपक लगा दें और ध्यान रहे साधना काल में दीपक लगातार जलता रहे। साधना से पूर्व आसन बंधन मंत्र का एक माला जाप कर लिया जाए तो बेहतर है, या आप आसन का कीलन भी कर सकते हैं। इच्छाधारी नाग सिद्धि का सिद्ध शाबर मंत्र कुछ इस प्रकार से है। नमो गुरु जी को आदेश, धरती माता को आदेश, पौन पानी को आदेश, शिव गोरख को आदेश, पाताल के बादशाह, पाताल के शहंशाह, नागों के राजा इशाधारी, ईशा पूर्ण करनी मणियों के राजा, मणियों में रहना मणि अमर, अमृत कुंड के देश, पाताल के देश, पाताल के देश में बैठे नागों के राजा रानी ईशा पूर्ण करनी राजा को आदेश, राजा के संतरियों को आदेश, छोही को आदेश, पैरी पैना माथा टेकना, वार वार नमस्कार। तो इस शाबर मंत्र का आप केवल 11 माला जप करें। मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसमें 3 घंटे लग सकते हैं। अगर 11 माला न कर पाए तो 5 या 3 माला कर लें। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ऐसा 41 दिनों तक करें और निश्चित जप जितना रोज करते हैं, पूरे 41 दिन तक उतना ही जप आपका चलेगा, ना कम ना ज्यादा। अंत में खीर का भोग या बताशे साथ जरूर चढ़ाएं। मंत्र जाप पूर्ण होने पर प्रणाम करें और दूध बांबी में डाल दें और घर वापस आ जाएं। इस साधना को घर पर बिल्कुल भी ना करें। इस साधना के अनुभव प्रत्यक्ष होते हैं। बहुत से नाग नागिन दिखेंगे और कई बार आपके आसपास बैठ जाएंगे। डरे नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा और भयमुक्ति के लिए संस्थान से पूर्ण सिद्ध जागृत एवं प्राण प्रतिष्ठित सर्प दंड मंगवा कर अपनी हथेली में धारण करें। शिष्यों, यह 100% शुद्ध कांसे की धातु से बना हुआ पूर्ण जागृत चैतन्य सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित सर्प दंड आपको बताए तंत्र साधना जगत की वह चमत्कारिक वस्तु है जिसे अपनी कलाई में धारण करने के बाद साधक को किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी भयानक इतर योनि की तांत्रिक साधना के दौरान सर्पों से, कीट पतंगों, कीड़े मकोड़ों, छिपकलियों, मगरमच्छ, कोमोडो ड्रैगन नामक बड़ी काली छिपकली, यानी कि कहने का तात्पर्य इस दुनिया में सांप की जितनी भी प्रजातियां हैं, उनसे भय नहीं रहता। फिर वो निश्चिंत और निर्भय होकर साधना करता है और उसमें सफल होकर निश्चित ही सिद्धि को भी प्राप्त करता है। तो जब आपका जाप पूरा हो जाएगा तो वो सभी नाग अपने आप वापस चले जाएंगे। कई बार इस साधना से नाग कन्याएं आदि भी आ जाती है, इसलिए अपने ऊपर संयम रखें और जब तक आपकी साधना पूरी न हो जाए कुछ भी ना बोले। साधना के अंत में एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का नाग आपके सामने बांबी से निकल कर आएगा। आप डरे नहीं, हौसला रखें, वो कुछ भी करे।
आपकी परीक्षा लेने के लिए अगर वह अपना मुख खोल के आपको डराने की कोशिश भी करे तो भी अपने स्थान से उठे नहीं और न ही वहां से भागे, अन्यथा आपकी साधना तुरंत के तुरंत वही खंडित हो जाएगी और आपका शरीर और आत्मा कांपने लग जाएगी। नाग हर जगह दिखाई देगा और आप अर्धमूर्छित से हो जाओगे, लोग आपको पागल समझने लगेंगे। इसलिए इस साधना में बहुत ही ध्यान देने और सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इस साधना को करे तो बेहतर होगा। जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा तो वो नाग संत रूप में प्रकट होकर आपसे बात करेगा और आप अपने लिए उससे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। इतना होने पर आपकी सहायता नागलोक से होने लगेगी और आपका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। बहुत बार सपने के माध्यम से लॉटरी सट्टे आदि का नंबर मिलेगा या शेयर मार्केट की सटीक जानकारी आपको मिलेगी। आप इन अवसरों का सदुपयोग कर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इससे कई प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं, जैसे किसी के बारे में कोई भी जानकारी आपके कान में आवाज आया करेगी और चेहरे का आकर्षण बढ़ जाएगा और विशेषकर आपकी आंखें बदल जाएंगी और आंखों में विशेष चमक आ जाएगी। बहुत सारे रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे और अगर आपकी साधना सच्चे भाव से हुई है तो आप नागलोक के दर्शन भी कर लेंगे या वहां जा भी सकेंगे। तो मन के सारे भय निकालकर इच्छाधारी नाग साधना के लिए अपने आप को तैयार करें और गुरु और ईष्ट और स्वयं पर पूर्ण विश्वास के साथ यह साधना करें, निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की। जय श्री महाकाल।